क्या मेलबर्न के मैदान पे पाकिस्तान ट्रॉफी उठाएगा? क्या 1992 का इतिहास एक और बार दोहराएगा? भाई मेलबर्न का मैदान है, इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान है और हमारी जुबान है, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़े से प्रेडिक्शंस कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे ऑफ कोर्स 11 से। अब अगर 11 की बात करी जाए तो अगर इंग्लैंड से स्टार्ट करें तो इंग्लैंड के ट्रेनिंग सेशन के हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा है कि डेविड मलान और मार्क वुड को चांस मिलने वाला है, और मुझे लग रहा है सेम 11 के साथ में जाने वाले हैं जो सेमीफाइनल में खेली गई थी भारत के अगेंस्ट एडिलेड ओवल में। जहां तक बात करी जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को भी कोई चेंजेस नहीं करने चाहिए। आज उनने जरूर प्रैक्टिस नहीं करी है, उनने जो प्रैक्टिस सेशन था वो कैंसिल कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत है और उनको भी सेम 11 खिलानी चाहिए जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे खेली थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब बात करते हैं एक्स फैक्टर्स की, शुरुआत करेंगे ऑफकोर्स पाकिस्तान से। भाई बल्लेबाजी की अगर बात करी जाए तो मोहम्मद रिजवान से बहुत उम्मीदें रहेंगी, बल्ला उनका चढ़कर बोला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और एक बार वही उम्मीद रहेगी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे कि जाइए बल्ला चलाइए और अपनी टीम के लिए रन मार के आइए। जब गेंदबाजी की बात करी जाए तो शाहीन शाह अफरीदी से बहुत उम्मीदें रहेंगी, पहले कुछ मैचेस के अंदर कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं, बट उसके बाद जब प्रदर्शन करना चालू करा तो रुकने का नाम नहीं लिया। ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान और उनके साथ में शाहीन शाह अफरीदी जो हैं, ये दो बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। जहां तक इंग्लैंड की बात करी जाए तो इंग्लैंड में मेरे पास में 3 खिलाड़ी हैं, ना कि 2, 3 इसलिए क्योंकि ओपनर्स एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, और इनसे एक और बार उम्मीद करी जाएगी कि एक अच्छा प्रदर्शन निकाल के ले आए। बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं टूर्नामेंट के अंदर, पावर प्ले को भरपूर यूटिलाइज करें और उम्मीद उनसे यही रहने वाली है, तो जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स। गेंदबाजी की अगर बात करी जाए तो सैम करन से बहुत उम्मीदें रहने वाली हैं कि भाई अगर दोनों नहीं तो एटलीस्ट एक का विकेट जरूर दें, या तो बाबर आजम का या फिर मोहम्मद रिजवान का। तो मेरे जो 5 खिलाड़ी हैं जो एक्स फैक्टर्स हैं वो है मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, जॉस बटलर, एलेक्स हेल्स एंड ऑफकोर्स सैम करन। अब बात कर लेते हैं भाई की ट्रॉफी जो है वो घर कौन लेके जा रहा है। तो अगर 1992 के हिसाब से जाएं, जहां पे पाकिस्तान भारत से आ रहा था लीग स्टेज के अंदर, लगातार 3 मैचेस लीग स्टेज के अंदर जीता था और उसके बाद MCG पे इंग्लैंड को हरा के ट्रॉफी घर लेके गए थे, तो उसके हिसाब से ऐसा लगेगा कि 2022 में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड सेम है, ऑपोजिशन सेम है, इंडिया से भी हारे, लगातार 3 मैचेस ग्रुप स्टेज में भी जीते, तो क्यों ना ऐसा हो सकता है। बट मेरा थोड़ा सा प्रेडिक्शन अलग है, मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, उनके जीतने के चांसेस कल थोड़े से ज्यादा रहेंगे, और मेरी जो फेवरेट टीम कल के लिए है वो है इंग्लैंड। देखते हैं बाकी क्या रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि T20 विश्व कप के अंदर हमारे साथ के अंदर बने रहने के लिए। स्पोर्ट्स ट्रैकर को जरूर फॉलो करें और बहुत कुछ कॉन्टेंट आपकी तरफ आने वाला है। धन्यवाद।